ये तो हम सब देख रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही, चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है, इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ, और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है, जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है, चारों तरफ राम राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे हमारे, जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी, उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी, और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम, मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा, लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ, इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर, और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया, तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परमादरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं, और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों, बहुत बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सबके बीच में बह रही है चारों तरफ। नौजवान बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की, और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं मिलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी, सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल तीर्थ स्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं, और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ तो उसे और क्या चाहिए, इससे अच्छा जो फील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए, और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फीलिंग आती है, जो पॉजिटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं उस समय कुछ नए नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं अपने आप में।